नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की तरफ से फिर से नई वैकेंसीज आए दोस्तों बीडीएल की तरफ से, जिसमें फोर्थ ईयर के तक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसीज रहने वाली है, जिसमें डिप्लोमा इंजीनियर वाले कैंडिडेट जाके वॉक इंटरव्यू दे सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर देखें, वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये जो रिक्वायरमेंट आपका भारत डायनेमिक लिमिटेड की तरफ से जारी किया गया, जो कि गच्चीबौली हैदराबाद में आपका स्थित है। ठीक है, यहाँ पर नोटिफिकेशन देख सकते हो दोस्तों, ये इसका नोटिफिकेशन नंबर है और इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है वो आपका 7 जून को रिलीज हुआ है। सब्जेक्ट में यहाँ पर देख सकते हो नोटिफिकेशन रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर फील्ड फायरिंग की वैकेंसीज है, जिसमें डिप्लोमा के लिए बहुत सारा ट्रेड इसमें ब्रांचेस दिया गया। तो डिप्लोमा आपने जो ब्रांच इनसे मेंशन है उस ब्रांच से आपने कर रखे तो आप जाके वर्क इंटरव्यू दे सकते हैं। और ये जो वैकेंसीज है एज अ फोर्थ ईयर की कॉन्ट्रैक्ट रहेगी, बट आपका जो ईयरली एक्सटेंडेबल होता रहेगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सटेंड होता रहेगा हर साल। ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे वैकेंसी जो रहता है फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया जाता है, तो जितने साल का रहता है वो कॉन्ट्रैक्ट आपका खत्म हो जाता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, फोर्थ ईयर एक्सटर्नली एक्सटेंडेबल भी लिखा है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट हर साल एक्सटेंड भी होगा। ठीक है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सटेंड होता रहेगा, तो काफ़ी अच्छा है इसमें, एज ए लॉन्ग टाइम तक आप यहाँ पर जॉब एज ए कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो सैलरी रहेगा दोस्तों, 47,000 रुपये पर मंथ आपका सैलरी रहेगा डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, काफ़ी अच्छा एज ए पोस्ट आपका जो है जॉब प्रोफाइल्स इसमें भी रहती है। और आपको रिपोर्ट कहाँ पर करना है, देखिए यहाँ पर जनरल मैनेजर CHR TACP CSR कॉरपोरेट ऑफिस भारत डायनेमिक लिमिटेड गच्चीबौली हैदराबाद तेलंगाना, तो इस जगह पर जाके आपको रिपोर्ट करना है। कब? 30 जून को। 30 जून को इसका इंटरव्यू के लिए डेट रखा गया दोस्तों, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके इस डेट को आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। ठीक है, रिक्वेस्टिंग फॉर्म फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर फील्ड फायरिंग की वैकेंसीज है, जिसमें आपको इसमें जो है ऑफिस डिपार्टमेंट एंड एड्रेस की बात करें तो यहाँ पर प्रॉपर एड्रेस दिया है, इस एड्रेस पर जाके आपको जाके इंटरव्यू देना है इसमें, जिसका दोस्तों आप कॉरपोरेट ऑफिस यहाँ पर ऐसा दिया गया, बट आपको इंटरव्यू के लिए यहाँ पर गच्चीबौली में जाकर आपको रिपोर्ट करना है, यहाँ पर ऐसा देख सकते हो 30 तारीख को। ठीक है, ये सारा एड्रेस यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सैलरी की बात करें तो देखिए, फिक्स मंथली सैलरी आपका 42,000 है और कन्वेंस आपको 4,000 मिलेगा, प्लस आपका टेलीफोन एक्सपेंसेस आपका 1,000 रुपये मिलेगा। इस तरह से टोटल कैलकुलेट करोगे तो 47,700 रुपये पर मंथ आपका सैलरी रहेगी, प्लस अदर बेनिफिट्स मिलेगा जो भी गवर्नमेंट के रूल्स है उसके अनुसार से। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 8 सीटें हैं। ठीक है, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, और लीव भी आपको रहेगा एक मंथ में 1.5, यानी 2 मंथ अगर ऑप्शन नहीं करोगे तो 3 लीव आपका होगा। ठीक है, इस तरह से 1 और 1/2 दिया, यानी कि 1.5 लीव आपका पर मंथ मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो कॉन्ट्रैक्ट आपका फोर्थ ईयर की है, बट आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड ईयरली एक्सटेंडेबल होगा। ठीक है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट द कैंडिडेट बी पोस्टेड, यानी भानपुर संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना स्टेट या एनी अदर यूनिट्स एंड कैन बी ट्रांसफर्ड एनी प्लेस विद इन कंट्री। तो आपको देखिए ऐसे यहाँ पर जो संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना ऐसे भानपुर वगैरह में रहेगी, बट आपका इनके डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है, कहाँ पर जहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी वहाँ पर आपको ट्रांसफ़र भी करी जाएगी इंडिया की किसी भी जगह पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको देख लेना है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पर कैंडिडेट पासिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या एनी या आर्मी सर्टिफाइड कोर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स या CGE, तो इनमें से कोई भी कोर्स कर रखें तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली बात करें तो आपने डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से कर रखें तो जाके इंटरव्यू दे सकते हैं, या ITI प्लस डिप्लोमा आपने इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से कर रखें तो भी आप इसके लिए जा सकते हैं, या आपने इंडियन आर्मी वगैरह से कोई रिलेटेड कोर्स करके रखे हैं तो भी आप इसमें जा सकते हो इंटरव्यू के लिए। ठीक है, एज की बात करें तो एज के जो काउंटिंग होगा दोस्तों 28/5 के अनुसार से 18 से 55 साल तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और रैंक की बात करें तो यहाँ पर जूनियर जो है रैंक वगैरह यहाँ पर इस तरह से रैंक वगैरह रहेगा, यहाँ पर देख सकते हो। एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट की बात करें तो नॉलेज ऑन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल टैंक लाइक लेजर इनवार एंड मिलन
ETC डिटेल्स आर ए बिलो, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें यहाँ पर जो है आपके अगर एक्सपीरियंस है तो इसमें एक्सपीरियंस वगैरह है, डिजायरेबल रखा गया है, और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है भी तो भी जा सकते हैं, बट यहाँ पर एज ए मैंडेटरी ऐसा कोई मेंशन नहीं लिखा है, ठीक है। तो आप जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। और यहाँ पर देखिए इंटरव्यू जाने के लिए आपको यहाँ पर एक बायोडाटा भी दिया गया है, ये बायोडाटा को आपको लेके जाना है, ठीक है। जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और उसी टेलीग्राम चैनल पर मैं इसका PDF वहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्टली जो है देख सकते हो। तो सारी चीज़ें मैंने दोस्तों बता दिया, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।